भोलानाथ की बीन पर नाचा शाम। सुप्रभात दादी माँ, क्या आप आज हमें गांव के मेले में ले जाएंगी? हाँ दादी माँ, मेले में बहुत मजा आएगा। सुप्रभात बच्चों। अच्छा आओ चले, मुझे भी मेले बहुत पसंद है। मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी मेले पसंद हैं। ये मेले खूब रंग बिरंगे होते हैं और इसमें बहुत से झूले भी होते हैं। ओह, हम आ गए मेले में। दादी माँ, यह जगह कितनी रंग बिरंगी है। कितने सारे लोग, बस राजा खो मत जाना, हमारे साथ ही रहना। चीनू मीनू, तुमको भी सावधान रहना होगा। और देखो, तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ ही रहना। ठीक है दादी माँ। उस विशाल पहिए को देखो, वह कितना बड़ा और गोल है। राजा, तुम इतना भौंक क्यों रहे हो? क्या हुआ? ओह मीनू, इधर देखो, जल्दी इधर देखो, राजा इस चीज पर भौंक रहा है, वह इससे डर रहा है। ओह, यह तो सांप है बस। पीछे हट जाओ राजा, पीछे हट जाओ बस। सांप? ओह मेरे भगवान, चलो दूर भागो, यह हमें काट लेगा। मैं तुम्हें नहीं काटूंगा बस, मुझसे मत डरो, मुझ में जहर नहीं है। यह कौन बात कर रहा है? सांप, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें नहीं काटूंगा मीनू, मुझसे डरो मत, मेरे दांतों में कोई जहर नहीं है। उस छोटे लड़के ने मेरा सारा जहर निकाल दिया है। कौन सा छोटा लड़का? उसने इसे कैसे निकाला? उसका नाम भोलानाथ है, वह एक सपेरा है। तुम उससे पूछ सकते हो कि उसने मेरे दांत से जहर कैसे निकाला। नमस्ते भोलानाथ, मेरा नाम मीनू है, यह मेरा भाई चीनू और मेरा दोस्त बज है। नमस्ते मीनू, तुम मुझे कैसे जानती हो? उस सांप ने तुम्हारे बारे में बताया, क्या तुम सपेरे हो? हाँ, मैं सपेरों के परिवार से हूँ, हमें कलबेली कहा जाता है। ओ कलबेली, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे बीन कहते हैं, यह एक यंत्र है, मैं इस यंत्र को बहुत अच्छी तरह से बजा सकता हूँ। इस बीन को बजाने पर सांप नाचने लगते हैं। क्या तुम सांप को नाचना सिखाते हो? नहीं, वे संगीत को सुनकर खुद ही नाचने लगते हैं। मगर भोलानाथ, सांप के कान नहीं होते, वे बीन का संगीत नहीं सुन सकते, फिर वे संगीत पर नृत्य कैसे करते हैं? ओ, मुझे यह नहीं पता था, मेरे दादा ने मुझे सिखाया था, वे बस नाचते हैं। चीनू, मुझे पता है कि वे कैसे नाचते हैं, मेरी अध्यापिका ने बताया था। वे बीन के संगीत पर नहीं नाचते, वे सपेरे के हिलते हाथों को देखकर ही हिलते रहते हैं, इससे ऐसा लगता है कि वे नाच रहे हैं। ओह, तो यह ऐसा है, मगर सांप का नाच अच्छा है। भोलानाथ मेरे बच्चे, तुम बहुत छोटे हो। अरे वाह, तुम इतनी छोटी उम्र में ही बीन बजाना सीख गए। तुम्हें ये यंत्र बजाना किसने सिखाया? मेरे दादा ने मुझे बीन बजाना सिखाया। देखो, वे वहाँ हैं। उनका नाम गंगानाथ है
और वे बहुत अच्छी बीन बजाते हैं। नमस्ते गंगानाथ चाचा, आप बहुत अच्छी बीन बजाते हैं। धन्यवाद मेरे बच्चे, मैं तभी से बीन बजा रहा हूँ जब मैं तुम्हारी तरह एक बच्चा था। मैं पूरी जिंदगी सांपों के साथ ही रहा, वे मेरे प्रिय मित्र हैं। गंगानाथ, तुम जरूर मेरी ही उम्र के होंगे, क्या तुम इस गांव में रहते हो? मैंने तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नहीं बहन जी, मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं पूरी जिंदगी अपने परिवार के साथ एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहा। ये सांप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मैं इन्हें बांस की टोकरी में लेकर एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता हूँ। दादी माँ, हम अनेक स्थानों पर रुकते हैं और हमारे सांपों को देखने भारी भीड़ आती है। हम बीन बजाते हैं और सांप नाचते हैं। ओ बहन जी, पहले जिंदगी बहुत अलग थी। मैं और मेरे पिताजी जंगल से इकट्ठी की गई जड़ी बूटियों से दवाई बनाया करते थे। हमारे कार्यक्रम को देखने बहुत से लोग आते थे, वे हमारी दवाई खरीदा करते थे और हमें बदले में पैसे या अनाज दिया करते थे। हम अपनी जिंदगी का गुजारा ऐसे ही करते थे। हम खुश थे कि आसपास डॉक्टर या अस्पताल ना होने पर भी हम उनकी मदद कर सके। यह तो अच्छी बात है चाचा। आजकल क्या हो गया, क्या अब आपको देखने अधिक लोग नहीं आते? नहीं मेरी बच्ची, तुम सभी अब टीवी व अन्य कार्यक्रम देखते हो और हमारे कार्यक्रम देखने तो लोग आते ही नहीं। मगर गंगानाथ, आजकल किसी जंगली जानवर को पकड़कर अपने साथ रखने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कानून बनाया है कि कोई भी जंगली जानवर को पकड़ नहीं सकता। आप ठीक कहती हैं बहन जी, ये हमारे लिए समस्या है। हम अब सांप नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने भोलानाथ को बताया है कि वे अपने लिए एक अलग जिंदगी का चुनाव करे। दादाजी ने मुझे बताया कि मैं अपने भाइयों के साथ खास मौकों पर बीन, तंबा, खंजड़ी और ढोल बजाकर लोगों का मनोरंजन कर सकता हूँ। भोलानाथ, तुमने बहुत सारे यंत्रों का नाम लिया, क्या तुम हमें सभी यंत्र दिखा सकते हो? हाँ चीनू, यह बीन है, यह तंबा, यह खंजड़ी और यह ढोल है। ओह, ये सभी लकड़ी के बने हैं? नहीं मीनू, इस ढोल को छोड़कर बाकी के तीनों यंत्र सूखी लौकी से बनते हैं। ओह, मैं भी यही सोचती थी कि ये लकड़ी के बने हैं, तो ये सूखी लौकी से बनते हैं। हाँ बहन जी, मैंने ये सभी यंत्र स्वयं बनाए हैं। अब मैंने भोलानाथ से लोगों का मनोरंजन करने के लिए इन्हें बजाने को कहा है, वे इसलिए क्योंकि अब हमें सांप रखने की इजाजत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। मगर चाचा, बहुत से जंगली पशुओं से अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। सर्कस, सड़कों और अन्य कार्यक्रमों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक कहा, लोग इन्हें छेड़ते हैं। इन्हें सिखाने वाले भी
इनके प्रति दयालु नहीं होते। वे इन्हें मारते हैं और इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसीलिए सरकार ने यह कानून बनाया है कि जंगली जानवरों को पकड़ना नहीं चाहिए। मगर मेरे बच्चे, हम सांपों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, वे हमारी जिंदगी हैं। यहाँ तक कि हम अपनी लड़कियों की शादी में भी सांप भेंट देते हैं। हमारे कलबेलिए नृत्य में भी अनेक सर्प मुद्राएं हैं। हम इनसे अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी है। मगर चाचा, बहुत सारे बुरे लोग पैसे के लिए सांप की खाल को बेचते हैं। वे जानवरों को मारकर उनकी खाल और अन्य भाग निकाल लेते हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अब मुझे पता चला कि सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया। तो दादी माँ, बंदरों और भालुओं के कार्यक्रम दिखाना भी गलत है। ठीक कहा मीनू, वे भी जंगली जानवर है, तुम उन्हें पकड़ कर रख नहीं सकते। इसीलिए मैंने भोलानाथ को सांप रखने से मना कर दिया है। मगर मैंने उसे कहा है कि वे सांपों को भूले नहीं, वे सांपों की अच्छी जानकारी रखता है। वह जहरीले और जहर के बिना वाले सांपों का अंतर जानता है। वह तुम जैसे बच्चों को इनके बारे में बता सकता है। जहरीले और जहरहीन सांप, क्या ऐसा भी कुछ होता है? क्या सभी सांप जहरीले नहीं होते? नहीं मीनू, सभी सांप जहरीले नहीं होते। हमारे देश में सांपों की विभिन्न किस्में हैं, मगर सांपों की सिर्फ 4 किस्में ही जहरीली होती हैं। केवल 4 किस्मों के? क्या तुम भी उनमें से एक हो? हाँ, मैं हूँ। मैं कोबरा जाति का हूँ, इसीलिए जहरीला हूँ। क्या तुम जहरीले हो? दौड़ो दौड़ो मीनू, दौड़ो चीनू। ओह ओह बज, रुको। मैंने तुम्हें बताया था कि अब मेरे दांत में जहर नहीं है, इसे निकाल दिया गया है। ओ गंगानाथ चाचा, आप सांप का जहर कैसे निकालते हो? मेरे पिताजी ने मुझे सांप का जहरीला दांत निकालना सिखाया था। इन्हें फन कहते हैं। उन्होंने मुझे सांप के मुंह में जहरीली नस को बंद करना भी सिखाया। और दादाजी ने मुझे भी यह सब सिखाया है। समझे? इसलिए अब मैं जहरीला नहीं रहा। ओह, अब मैं ठीक हूँ। तुमने बताया था कि भारत में सांपों की केवल 4 किस्में ही जहरीली हैं। कोबराउन में से एक है, बाकी कौन सी हैं? 3 और भी हैं। ये है आम जाति का करैत, रसल जाति का वाइपर, टेढ़ी मेढ़ी धारियों वाला वाइपर। मुझे यह सब नहीं पता था। अच्छा, केवल कोबरा, आम करैत, रसल जाति का वाइपर और धारियों वाला वाइपर ही जहरीला होता है। मैं तो सोचती थी कि हर सांप का काटना जहरीला होता है। नहीं बच्चों, सभी सांप जहरीले नहीं होते। केवल यही 4 किस्में जहरीली होती हैं। मगर सांप के काटने पर व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में सांप के काटे जाने पर दी जाने वाली दवाइयां रखी जाती हैं।
ये दवाई भी सांप के जहर से ही बनती है। ओ, सांप के काटने पर दी जाने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनती है। ठीक कहा मीनू, मुझे सांपों की पूरी जानकारी है। मैं सांप का डंक देखकर बता सकता हूँ कि व्यक्ति को किस सांप ने काटा है। बहन जी ठीक कह रही हैं। सांप के काटने पर हमें व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि कुछ सांपों के काटने पर तो तुरंत मौत हो जाती है? ओ, हे भगवान, क्या इनका डंक इतना जहरीला होता है? ओह बज, तुम्हारा कांटा भी खतरनाक होता है। मधुमक्खी के काटने पर भी लोगों को बहुत दर्द होता है। और तुम तो सब जगह हो। मगर मैं तभी काटता हूँ जब लोग मुझे तंग करते हैं, तभी जब मैं डर जाता हूँ। मैं भी डर जाने पर या तंग किए जाने पर ही काटता हूँ। मगर सांप, तुमसे तो सभी लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं कि तुम बुरे हो। मैं उतना बुरा नहीं हूँ। लोगों को मेरी आवश्यकता भी है। मैं उनके लिए अच्छे काम भी करता हूँ। मैं किसानों का मित्र हूँ। क्या तुमने खेतों में चूहे देखे हैं? अगर मैं उन्हें ना खाऊं, तो वे चूहे पूरी फसल ही खा डालेंगे। तब किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। देखा, मैं किसानों की मदद कैसे करता हूँ। बच्चों, अधिकांश जानवर तंग किए जाने पर ही काटते हैं। अगर तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वे भी तुम्हारे प्रति अच्छे ही रहेंगे। दादी माँ, कल मैंने जीवन चाचा को अपने घोड़े को ढकेलते हुए देखा था। मुझे घोड़े को देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसे जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। चीनू, अगर तुम किसी को भी जानवरों को तंग करते देखो तो मुझे या अपनी अध्यापिका या गांव के किसी बड़े को आकर बताया करो। मैं आज ही जीवन के पास जाकर घोड़े को तंग ना करने की बात समझाऊंगी। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों को तंग करते हैं। सभी ऐसे नहीं हैं। हम अपने सांपों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरा दोस्त बंदरों का खेल दिखाता है, वे भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उन्हें ठीक से भोजन खिलाता है। मगर जंगली जानवरों के साथ खेल दिखाना ठीक बात नहीं है गंगानाथ। उन्हें आजादी से जीने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ चाचा, हमें भी आजाद रहना अच्छा लगता है ना? दोस्तों, कृपया जानवरों को तंग मत किया करो। उनके प्रति दया भाव रखो और अच्छा व्यवहार करो। हम भी तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। बाज ने कितनी अच्छी बात कही। तुम बहुत प्यारे हो बाज। भोलानाथ, क्या तुम विद्यालय जाती हो? नहीं मीनू, मैं कभी भी विद्यालय नहीं गया। भोलानाथ, तुम्हें भी आकर विद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। विद्यालय में बहुत मजा आता है। तुम बहुत सी नई चीजें भी सीख सकते हो। गंगानाथ, तुम्हें कल से ही अपने पोते को विद्यालय भेजना चाहिए। बड़ा होकर वह क्या करेगा? अरे, मेहनत करके अच्छी तरह पढ़ने से वह डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या फिर अध्यापक भी बन सकता है। बहन जी, ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल से ही उसे विद्यालय भेजूंगा। धन्यवाद बहन जी।
धन्यवाद चीनू, अब मैं भी विद्यालय में आकर पढ़ूंगा। क्या मैं तुम दोनों को एक उपहार दूं? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। देखो, यह तुम दोनों के लिए है। ओह, ये तो कठपुतली सांप है। भोलानाथ, तुमने यह कैसे बनाया? मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले मैंने पुरानी जुराबों का एक जोड़ा लिया, फिर मैंने इसे अपने हाथ में डाला। आँखों की जगह पर बिंदियाँ लगाई। अगर तुम चाहो तो बटन भी लगा सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि तुमने क्या किया है। जीभ की जगह तुमने लाल कागज की पट्टियाँ चिपकाई हैं। जीभ के अग्र भाग को तुमने वी के आकार में काटा है। हाँ चीनू, यह मेरा कठपुतली सांप है। यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद भोलानाथ, हम कल तुम्हें विद्यालय में मिलेंगे। दोस्तों, क्या तुमने सांप देखे हैं? क्या तुम उनसे डरते हो? क्या तुमने कभी सपेरे से बात की है? अगली बार सपेरे को देखकर क्या तुम उससे उसके जीवन के बारे में बात करोगे? क्या तुम सोचते हो कि जंगली जानवरों को पकड़ने के विरोध में कानून बनाकर सरकार ने ठीक किया? इसके बारे में जरा सोचो। क्या तुम सही वस्तुएं मिलाने में बस की मदद करोगे? सपेरे का वाद्य यंत्र। बीन। सांप का जहरीला दांत। विषदंत। नाग। जहरीला सांप। सपेरे। कलबेलिया। सांप खाता है। चूहे। सपेरे का वाद्य यंत्र। बीन। सांप का जहरीला दांत। विषदंत। नाग। जहरीला सांप। सपेरे। कलबेलिया। सांप खाता है। चूहे। क्या हम खाली स्थान भरने में पक्षी की मदद करें? सांप के जहरीले दांतों को कहते हैं विषदंत कहते हैं। सपेरों को भी कहते हैं। सपेरों को कलबेलिया भी कहते हैं। सपेरे नामक यंत्र को बजाते हैं।
सपेरे बीन नामक यंत्र को बजाते हैं। सांप के लिए लाभदायक है क्योंकि वे फसल नष्ट करने वाले चूहों को खाते हैं। सांप किसानों के लिए लाभदायक है क्योंकि वे फसल नष्ट करने वाले चूहों को खाते हैं। भारत में और विषैले सर्प हैं। भारत में नाग दुबोयां करैत और अफाई विषैले सर्प हैं। बीन सूखी से बनती है। बीन सूखी लौकी से बनती है। क्या तुम खरगोश की यह खोजने में मदद करोगे कि कौन से वाक्य सही है और कौन से गलत? सभी सांप विषैले होते हैं। गलत। सांप के दो खोखले दांत होते हैं जिन्हें विषदंत कहते हैं। सही। जंगली जंतुओं को पकड़ना और उन्हें रखना एक साधारण सी बात है। गलत। जंगली जानवरों को पकड़ने और रखने के खिलाफ कानून बनाया गया है। सही। सांप बीन की धुन पर नृत्य करते हैं। गलत। सांप भूखा होने पर डसता है। गलत। हमें पशुओं के प्रति दयालु होना चाहिए। सही। सांप को उसकी खाल के लिए पकड़ा और बेचा जाता है। सही।
सांप पालने वाले लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रहते। सही, सांप पालने वालों को सपेरा भी कहते हैं। सही, क्या हम इन प्रश्नों के उत्तर दें? सांप पालने वालों को क्या कहते हैं? सांप पालने वालों को सपेरा या कलबेलिया कहते हैं। बीन क्या है? बीन सांप पालने वालों का एक वाद्य यंत्र है। सांप को नचाने के लिए वे इसका प्रयोग करते हैं। क्या तुम सांप के कान देख सकते हो? नहीं, हम सांप के कान नहीं देख सकते। क्या सांप सचमुच बीन की धुन पर नाचते हैं? नहीं, सांप बीन की धुन पर नहीं नाचते। वे सपेरे के हाथ की हरकतों के अनुसार हिलते हैं। सपेरे अपने सांपों को कैसे लाते हैं? सपेरे अपने सांपों को बांस की टोकरी में रख कर लाते हैं। सपेरे किस तरह का जीवन यापन करते हैं? सपेरे एक गांव से दूसरे गांव को जाते रहते हैं। वे अपने सांपों द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। सपेरों का जीवन कठिन क्यों हो गया है? सरकार ने वन्य प्राणियों को पकड़ने और रखने के विरुद्ध कानून बनाया है। अतः सपेरों को सांप पकड़ने और रखने की अनुमति नहीं है। इससे उनका जीवन कठिन हो गया है। क्या सभी सांप विषैले होते हैं? नहीं, सभी सांप विषैले नहीं होते। भारत में कौन कौन से सांप विषैले होते हैं? भारत में चार तरह के विषैले सांप होते हैं। ये हैं नाग, दुबोया, करैत और अफाई। क्या सांप काटे की कोई दवा है? हाँ, सांप के काटे का इलाज करने की दवाई है। यह दवाई कैसे बनाई जाती है? सांप के काटे की दवाई सांप के विष से ही बनाई जाती है। सांप काटे की दवाई कहाँ उपलब्ध होती है? सांप काटे की दवाई सभी गांव, कस्बों
और नगरों के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती हैं। क्या सांप किसान के लिए लाभदायक है? कैसे? सांप किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं। वे चूहों को खाते हैं जो किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं। इस तरह वे चूहों से फसलों की रक्षा करते हैं। सरकारी कानून के अनुसार कोई भी जंगली जानवरों को पकड़ या रख नहीं सकता। दोस्तों, क्या तुम्हारे विचार से सरकार का यह कानून सही है? क्या इस कानून से जानवरों को कुछ मदद मिलेगी? क्या यह कानून कुछ लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा? तुम कक्षा में अपने मित्रों के साथ इस विषय पर चर्चा कर सकते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों। अलविदा।